देखा है जब से चाहा है तब से देखा है जब से चाहा है तब से हर पल दुआओं में मांगा है रब से हर पल दुआओं में मांगा है रब से कैसे कहें दिल की बात कैसे कहें दिल की बात ख्वाब हकीकत बनने से पहले हो न जाए विश्वासघात 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 विश्वासघात। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते जय मातेश्वरी जय जगदम्बे जय हो। रामू ओ रामू पता नहीं कहाँ चला गया अरे बहरा हो गया है का रामू रामू होश में तो हो भूल गए रामू एक महीने की छुट्टी लेकर बाहर गया है। ओह मैं तो भूल ही गया था भुलक्कड़। अरे अब क्या बताऊं देविका जी ये जो नौकर होते हैं ना ये बिल्कुल पत्नी की तरह होते हैं। पहले तो अपनी सेवा और काम से हमें निठल्ला कर देते हैं और फिर खुद चले जाते हैं महीनों महीनों के लिए मायके। जी प्राणनाथ जी इसीलिए कहते हैं कि किसी को दूसरे पर इतना आश्रित नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे से कामों के लिए भी दूसरे का सहारा ले। लाओ बताओ मैं ही करती हूँ तुम्हारा काम। अरे कुछ नहीं वो दरवाजे के बाहर अखबार पड़ा होगा शायद वो चाहिए था मुझे रोज तो रामूला के दे देता था। हद होती है तुमसे इतना सा अखबार लाने का काम भी नहीं होता कमाल है तुम्हारी सुस्ती का भी। लाओ मैं ही ला कर देती हूँ तुम्हें वो अखबार। अरे ये बाहर गांव के नौकर तो रखना ही नहीं चाहिए। रामू कोई बाहर गांव का नौकर नहीं है अपने घर का ही है अपने घर में बचपन से पला और बड़ा हुआ है। अरे उसके रिश्तेदार हैं माँ बाप भाई बहन पत्नी ना सही दोस्त तो है ना मिलने तो जाएगा ही। अरे भाई जाना है तो जाए ना रोका किसने है पर दो चार दिन के लिए ठीक है अब ये क्या बात हुई कि महीनों महीनों के लिए चले गए छुट्टी लेके। शुक्र करो प्राणनाथ जी कि मैं अब मायके नहीं जाती हूँ वरना ये जो आपका बैठे रहने की आदत हो गई है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ अब ये आदत मैंने थोड़ी ही बिगाड़ी है देविका अरे ये तो रामू ने मेरी आदत बिगाड़ दी। खूब समझ रही हूँ आपकी बातें ये लो पकड़ो पढ़ो अखबार मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नौकर ना सही अरे ये पत्नी तो है 24 घंटे की नौकरानी। क्या मम्मी आप और पापा आप भी इस सुबह सुबह में क्या खटपट लगा रखी है जैसे कोई सोने भी नहीं देता है। पर बेटी सुबह सुबह जल्दी उठना तो अच्छी आदत होती है ना। पर पापा कल रात में देर तक पढ़कर सोई थी। ओ सॉरी मुझे नहीं मालूम था। रेणु बेटा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ये तुम्हारा देर तक जागना और सुबह देर तक सोकर उठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इससे तो अच्छा है बेटा कि तुम रात को जल्दी सो और सुबह से जल्दी उठकर पढ़ा किया करो। माँ सुबह सुबह में शोर कितना होता है जिसे देखो सेहत बनाने में लगा है वो भी संगीत की संगत में फिर कई लोग तो पड़ोसियों को सुनाने के लिए भजन सुनते हैं वो भी जोर जोर से। अच्छा ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है पापा। वेरी गुड पर आगे पढ़ने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इस बार परसेंटेज बहुत अच्छे आए। हाँ बेटी तेरा काम है मेहनत करना वो तू कर ईश्वर कभी किसी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। पर एक बात तो बता ये तुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है। क्या पापा आजकल ग्रेजुएट होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ये तो सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अरे रेणु तो इतना पढ़ लिख कर कौन सा तुझे नौकरी करनी है। माँ आजकल लड़कियों के लिए भी नौकरी करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में सभी को अपने पैरों पे खड़े रहना आना चाहिए। लो सुनो इनकी बात अरे हमारे जमाने में तो हाई स्कूल तक भी लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता था और अगर मैंने पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या कोई मैं गई गुजरी जिंदगी गुजार रही हूँ। समय समय की बात है माँ आजकल सबकी जरूरतें और इच्छाएं बढ़ गई है माँ बाप की भी और बच्चों की भी आजकल संतोष से गुजारा नहीं होता। हाँ संतोष से गुजारा नहीं होता तभी तो
24 घंटे लड़ाई झगड़े मार पीट लगा हुआ है। खैर मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय जरा अच्छी बनाना, अदरक वाली। और हाँ माँ, नाश्ता भी साथ में। सब लाती हूँ, तुम लोगों की नौकरानी जो हूँ। रामू, ओ रामू, अरे आजा भैया। ओहो, मैं परेशान हो गई आपके भुलक्कड़पन से। कब जाएगा? ये लीजिए चाय। हाँ रामू तो छुट्टी गया है। अरे एक बात बताओ, अगर रामू चाय लाता तो इस तरह कमेंट तो नहीं करता ना भुलक्कड़पन। सच्ची बात, सबको कड़वी लगती है। और एक बात बताइए, ये आप मर्द लोग औरतों पर और नौकरों पर इतना डिपेंड क्यों हो जाते? अरे भैया, कोई बैठे बैठे अगर हाथ में चाय लाकर दे दे तो क्या उसको मना कर दे? और उसे क्या, भैया तू बैठ, मैं तुझे चाय लाकर देता हूँ। अगर महीने में 2-3 बार ऐसा कर भी लो तो क्या प्रॉब्लम है? नौकरों के लिए ना सही, बीवी के लिए तो कर सकते हो। तुम चाहती हो नौकरों वाला काम मैं करूँ? अरे मैंने आपको चाय ला के दी तो क्या मैं नौकरानी हो गई? घर का काम घर वालों के लिए करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। और आपकी मेंटालिटी देख के तो लगता है आपको कम से कम 2 सालों के लिए अमेरिका भेज देना चाहिए, जहाँ ये नौकरों वाली सहूलियतें नहीं होती, सिवाय बड़े घरों को छोड़कर। एक नौकर छुट्टी क्या चला गया, घर में हंगामा हो रहा। लोग सही कहते हैं, बेवकूफ ही औरतों से बहस कर। और लोग तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही, पुरुष समझदार होते हैं, बाकी 95% तो शादीशुदा होते हैं। साफ कहो ना कि 95% पुरुष बेवकूफ होते हैं, क्योंकि बेवकूफ ही शादी करते हैं। और सही कह रहे हैं, अगर मैं समझदार होता तो तुमसे क्यों शादी करता? तुमसे क्या, मैं किसी से भी क्यों करता? चलो अब ताने मारना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज बच्चों को आपको स्कूल छोड़ना है। बड़े खुश हैं बच्चे आज तो, कि अब उन्हें पापा स्कूल छोड़ेंगे। वैसे हर बुराई एक अच्छाई तो देख के जाती, और हर दुख और तकलीफ के पीछे एक अच्छा तजुर्बा जरूर होता है। मम्मी मम्मी, आज नाश्ते में क्या है? आप गैस करो जल्दी से कि आज नाश्ते में क्या है। आलू के पराठे। ओए बिल्कुल स्टूपिड, पापा देखिए ना, इसे तो इतनी सारी चीजें पसंद है कि अपने बारे में कुछ गैस ही नहीं कर पाता। तुझे पता है तो तू ही बता दे। बता दूं? हाँ बता दे। मम्मी पनीर के पकौड़े है ना? बिल्कुल सही। चलो। वाह मम्मी, मजा आ गया, पनीर के पकौड़े खूब सारे रखे हैं ना टिफिन में। हाँ बहुत सारे, आपके लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी। खा दे तो मेरे दोस्त ही खा जाएंगे, इसीलिए उनके लिए भी रखे। कम पनीर तो मुझसे अकेले जाना। चलो अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ जल्दी से दो बेटा दाल। बच्चों आज अपन स्कूटर से चलते हैं। नहीं पापा, कार से। ठीक है, पर तुम कार से कोई छेड़ा खानी नहीं करोगे। ओके ओके पापा। चलो चलो। पर गाने तो सुन सकते हैं ना? हाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे, तुमको भी अपने स्कूल की कोई पोएम सुनानी पड़ेगी। ओके पापा। चलो चलो, लेट हो रहे हो, जल्दी जाओ। चलो सुनिए, आज दुकानी किसी नौकर के हाथ से सरदर्द की दवाई भिजवा दीजिए, बदन दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ओहो, तो रामू की छुट्टी का असर आप पे भी होने लगा, मतलब आपको भी तकलीफ हो ही रही है? जी नहीं। हे भगवान, रामू को जल्दी घर भेज दे। पापा पापा, भगवान का नाम रामू है क्या? बेटा भगवान का नाम रामू नहीं है, लेकिन भगवान के ही समान है। चलो जल्दी जल्दी स्कूल चलो। चलते जाना। बाय बाय बेटा, बाय। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बढ़िया अंकल, आप कैसे? बस मैं फर्स्ट क्लास हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा बाजार तक जा रहा था। तो रामू को भेजते थे? अरे आप समझते तो हो, आजकल के नौकर, एक महीने के लिए गांव चला गया। ओ, तब तो आपको बहुत परेशानी हो रही होगी ना? क्या करें बेटा, घर गृहस्थी के काम तो करना ही है। अच्छा चलिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ ना, मुझे लेट हो रहा है। खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो।
बाबूजी एक रुपया दे दो। अरे अरे हट दूर हट, एक रुपया दे दो। जनाब चार दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। चार दिन से भूखा है और एक रुपए में तू खाना खा लेगा? अब आप जैसे और बड़े लोग भी तो गुजरेंगे यहाँ से, जब 10-12 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो जाकर खा लूंगा खाना। देख खाना तो तुझे मैं भी खिला सकता हूँ, मगर बेटा चार दिन का भूखा तो तू मुझे कहीं से नहीं दिख रहा। और सुन हट्टा कट्टा है, भिखारी तो कहीं से लगता ही नहीं है तू, सिवाय इन कपड़ों की हालत के। ए, सच सच बता ये माजरा क्या है? बाबूजी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं एक अच्छे खानदान का बंदा हूँ, मगर भूकंप ने मेरा घर रिश्तेदार खेत सब कुछ छीन लिया। 8वीं पास एक छोटे गांव से आया हूँ, नौकरी कहीं मिली नहीं तो यहाँ भीख मांग रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे कहीं नौकरी मिलेगी तो करेगा? हाँ हाँ नेकी और पूछ बिल्कुल करूँगा। तो समझ तुझे नौकरी मिल गई, पर बेटा नौकरी एक महीने के लिए मिलेगी तुझे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं अगले महीने के लिए दूसरी नौकरी तलाश कर लूँगा, और वैसे भी एक महीने का अनुभव और मेरा अच्छा काम मेरी अगली नौकरी में काफ़ी मदद करेगा। हाँ कह तो तू ठीक रहा है। अच्छा ये बता ये यहाँ कोई तुझे जानने पहचानने वाला है जो तेरी कुछ गारंटी दे सके? हाँ साहब मैं तो यहाँ बिल्कुल नया और अनजान हूँ, अब अगर मैं चोर या चालाक होता तो यूँ सड़क पे भीख थोड़ी ही मांग रहा होता, और वैसे भी आजकल ईमानदार लोगों को कोई नहीं पूछता जितना लोग बेईमान को पूछते हैं। तो क्या है बेटा, मैंने तुझे यहाँ पहले कभी देखा नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ ना भीख मांगते हुए यहाँ तुझे, इसलिए साहब तो भीख भी जगह बदल बदल कर मांगनी पड़ती है, नहीं तो होंडे और मवाली खड़े रहने का भी पैसा वसूलते हैं। खैर छोड़ तू चल मेरे साथ। कहाँ? अरे मैं तुझे अपने घर ले जा रहा हूँ नौकर रखने के लिए, तू चल मेरे साथ। देविका जी, श्रीमती देविका रानी जी कहाँ हैं आप? जी कहिए, ये कौन है और इस हालत में? ये है आपका नया नौकर रघु। नया नौकर? और जब वो रामू वापस आएगा तो? ओहो देविका जी इतनी अकल तो मुझ में भी है, आपका पति जो ठहरा इसीलिए मैं इसे सिर्फ एक महीने के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन ये आपको मिला कहाँ? अरे रास्ते में भीख मांग रहा था बेचारा, सो इसे यहाँ ले आया। बेटे रेनू तुम एक काम करो, इसे रामू का कमरा दिखा दो। जी पापा। और रघु तुम जाओ नहा धो के फटाफट रामू के कपड़े पहन लो, तुम्हें एकदम फिट आएंगे। कमाल करते हो, किसी भी रास्ते चलते को उठा के घर में ले आए। ओहो श्रीमती देविका रानी जी मैं तो भूल ही गया था कि आपके घर के काम के लिए किसी बड़े बंगले वाले को लाना था। अरे शक्ल से ही गुमशुदा लगता है, एकदम उठाई गिरा। अरे आपकी पहचान की तो दाद देना पड़ेगी, अरे वो बेचारा भूकंप का मारा है, उसके माँ बाप भाई बहन घर बार सब कुछ भूकंप में तबाह हो चुका है, अब बेचारा भीख न मांगे तो क्या करे। और आप उस भिखारी को लेकर यहाँ आ गए। हे भगवान, अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, वो बेचारा गरीब असहाय एक अकेला आदमी, अगर उसे कोई काम नहीं देगा तो क्या करेगा वो, बताओ क्या करेगा? या तो भीख मांगेगा और या फिर चोरी चकारी करेगा, है ना? श्रीमान जी सारे चोर उचक्के गरीब होते हैं लेकिन बेचारे नहीं होते हैं। पर सारे गरीब भिखारी और चोर उचक्के भी नहीं होते देविका रानी जी। चलो खैर छोड़ो, देखते हैं कितना भरोसेमंद निकलता है। अब देखिए देविका जी, एक महीने में कौन सी हमारी दुनिया लूट के ले जाएगा ये है? हाँ वो तो है, रहने वाला कहाँ का? अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कीना नौ सीखियों वाली बात, अरे रोजाना अखबार में रेडियो पर टीवी में विज्ञापन दिया जा रहा है कि घरेलू नौकर रखने से पहले एक पड़ोस के थाने में आप सूचना दे दें
अब अगर कोई गड़बड़ हुई ना तब तुम जानो। हाँ अरे देखिए क्या है कि एक महीने की तो बात है, अब कहाँ ये पुलिस वुलिस के झंझट में पड़ेंगे। भैया पुलिस से झंझट से दूर रहना चाहिए। तो ठीक है, अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो सारी जवाबदारी सिर्फ आपकी होगी। हाँ अब देखिए देविका जी, हमें गरीब की सहायता करके उसका बुरा तो नहीं कर रहे ना, भला ही कर रहे हैं, फिर भगवान हमारा बुरा क्यों करेगा। अरे बेटा लेकिन पापा ये महाशय कौन है? तुम्हारे ससुर ने नया नौकर रखा है बहू। सच पापा? आपने कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन ये कहीं से नौकर जैसा नहीं लग रहा है। अरे बहू ये बेचारा भूकंप का मारा है, भूकंप में इसका सब कुछ तबाह हो चुका है। पर तुमने अपने गांव का नाम तो बताया ही नहीं। जी वो भुज, आपने पूछा ही कहाँ था? अरे एक सेकंड, भुज में तो बहुत सालों पहले भूकंप आया था ना? हाँ नहीं उसके बाद दोबारा फिर से आया था एक बार। रामू के कपड़े तुम्हारे ऊपर रामू से ज्यादा जच रहे हैं वैसे। अच्छा अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मन लगा कर काम करना। जी साहब ने इतना बड़ा उपकार किया है तो अपनी इस बात का जवाब मैं अच्छाई और ईमानदारी से दूंगा। अच्छा रामू इस पूरे घर के साथ ये दो शैतान भी संभाल ले तुम्हें। हमें रोज बगीचे ले जाओगे? हाँ ले जाऊंगा। हमारे साथ खेलोगे भी? हाँ खेलेंगे। तुम्हें क्या क्या खेलना आता है? मुझे ना क्रिकेट खेलना आता है, वॉलीबॉल आता है, फुटबॉल आता है, कबड्डी और सतोली भी। सतोली ये क्या आता है? ये सतोली हमारे जमाने का एक बहुत पुराना खेल है। इसमें ना छोटे बड़े पत्थर एक एक करके के ऊपर एक जमाते हैं और उसको बॉल से मारते हैं और जो सबसे ज्यादा पत्थर गिराता है ना वो ये खेल जीतता है। ये तो बहुत अच्छा खेल है, मैं सीखूंगी। सिखाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। मुझे भी सिखाओगे? आपको भी सिखाएंगे। अच्छा ये सब तो ठीक है, किचन विचन का काम कर लेते हो? जी कर लेते हो। चपाती बना लेते हो? जी बना लेते हो। पूरी गोल? हाँ जी पूरी। तो जाओ 15-20 चपाती बना कर रखे। हाँ जी। किचन मालूम है तुम्हें? जी पानी वहीं से तो लाया था। जाओ। बड़ा होशियार और चंट है। दादी जी चंट क्या होता है? चंट बेटा चालाक होशियार स्मार्ट। ऐसा सुंदर हट्टा कट्टा नौजवान पता नहीं क्यों ये नौकरी कर रहा है। अच्छा ये बताओ तनख्वाह कितनी लेगा? लेगा क्या, बोल रहा था साहब गुजारे के लायक दे देना। फिर भी तो अपन ऐसा करेंगे खाने और रहने के अलावा इसको पकड़ा देंगे 1,000-1,500 रुपए बस। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि अगर ये ठीक ठाक काम करता रहा, चाल चलन में अच्छा रहा तो मैं इसे रामू के आने के बाद दुकान पे लगा दूंगा। अपना विश्वास भी सुखी हो जाएगा, उसको हेल्प मिल जाएगी। वो कहते हैं ना कि आज के जमाने में सबसे सुखी इंसान वो है जिसे अच्छी पत्नी और अच्छा नौकर मिल जाए बस। और नौकरी करने वाला? अरे कर्मचारी के लिए क्या, अच्छी पत्नी के साथ साथ बहुत अच्छा मिल जाए सो कट गई जिंदगी शान से। वाह तो आपके पास अच्छी पत्नी तो है ही। सो तो है। अब अच्छा नौकर भी मिल गया। हेलो। हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है, घर के अंदर 3 खिड़कियाँ और 2 दरवाजे हैं। मेन गेट के बाहर एक चौकीदार है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। हाँ अच्छा सुनो मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ ये तुम फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे तो इस दुनिया में कोई नहीं है। जी वो चौकीदार से बात कर रहा था, आज काम बहुत ज़्यादा है ना तो उससे मिलने नहीं जा पाऊँगा, सोचा फ़ोन कर दूँ, बेचारा परेशान हो रहा होगा। अरे वाह तुम्हें बड़ी फिक्र है उस 2% के चौकीदार की। अब इंसान चाहे 2% का हो या 100% का, इंसान तो इंसान होते हैं और वैसे भी पैसा कोई पैमाना नहीं किसी के अच्छा होने अच्छा व्यवहार करने का। कमाल है वो तुम गांव के और वो भी घर के नौकर और बातें इतनी बड़ी बड़ी। अब ईश्वर ने जुबान दी है तो छोटी छोटी बातें क्यों करना। हाँ कमाल है मुझे बस समझ नहीं आती कि तुम गांव के होकर भी इतनी समझदारी वाली बातें कैसे कर लेते हो। अब किसी का अच्छा होना या अच्छा व्यवहार करने के लिए जरूरी तो नहीं कि उसको समझदार होना चाहिए। रेणु इधर आओ।
और रघु तुम जाके पापा के लिए चाय बनाओ। जी मैम सर। तुम इससे इतनी बातें क्यों कर रही थी? भाभी आपको नहीं लगता कि रघु कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है? देखने में भी और बातों में भी कैसे घर का नौकर ही नहीं लगता। रेणु नौकरों के साथ इतनी बातचीत अच्छी बात नहीं, और इतनी बहस क्यों कर रही थी तुम उसके साथ? वैसे भी 10-15 दिन से ज्यादा वो यहाँ नहीं रहेगा। वो सब तो ठीक है भाभी, पर कोई गांव का होकर नौकर होकर इतनी समझदारी वाली बातें कहे, वो तो समझ से बाहर है ना। रेणु इतनी तारीफ करके उसे अपने सर पे मत चढ़ाओ, नौकरों से इतनी हमदर्दी अच्छी बात नहीं। कॉलेज से आके थकी नहीं हो क्या? जाओ जाके फ्रेश हो लो। जब से चाहा है तब से देखा है, जब से चाहा है तब से हर पल दुआओं में मांगा है रब से, हर पल दुआओं में मांगा है रब से। कैसे कहें दिल की बात, कैसे कहें दिल की बात, ख्वाब हकीकत बनने से पहले हो न जाए।